एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, जिसमें हम जानेंगे ऑनलाइन शॉपिंग साइट आजकल बहुत बढ़ गई है। तो उन ऑनलाइन शॉपिंग साइट में जो रियल साइट होती है और जो फेक साइट होती है, उनका कैसे पता लगे, क्योंकि अभी मार्केट में कई तरह की ऑनलाइन शॉपिंग साइटें आ रही है। तो हम किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं करें, कौन जेन्यून है और कौन जेन्यून नहीं है, उसके बारे में जानेंगे। तो उसके कुछ तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो वेबसाइट असल में सही है या नहीं। तो आपसे निवेदन है, मेरा चैनल हिंदी में इंटरनेट ज़रूर सब्सक्राइब करें और अब हम उन पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ जो ये आर्टिकल है उस पे। अब इसमें हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट है जो आप देख सकते हैं, ये पहला पॉइंट है। इसमें हम ये देखेंगे कि वेबसाइट का नाम सर्च इंजन में जब हम टाइप करेंगे और उसका जो रिजल्ट आता है उसको ध्यान से देखना है। अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट आपके गूगल सर्च में सबसे ऊपर आती है तो वो एक जेन्यून साइट है, अगर वो दूसरे तीसरे नंबर या नीचे आती है तो वो एक फेक साइट हो सकती है। ये तरीका है। और इसके बाद दूसरा तरीका है कि वेबसाइट का कनेक्शन कितना सिक्योर है, वो जानना ज़रूरी है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि वेबसाइट का कनेक्शन किसका कितना सिक्योर है। उसका पता लगाने के लिए आप जो भी सर्च बार में जो वेबसाइट का लिंक दिया रहता है आप देखते हो, तो उसमें ये ज़रूर होना चाहिए, HTTPS होना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो HTTPS होना ज़रूरी है, अगर ये वेबसाइट के आगे होगा तो वो एक सिक्योर वेबसाइट है। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है वेबसाइट का कस्टमर सपोर्ट कितना मजबूत है, जो वेबसाइट का हेल्प सिस्टम है वो कितना मजबूत है, वो है कस्टमर सपोर्ट। उसके लिए हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट खोलेंगे तो उसके अबाउट यूज़ में जाएंगे और कॉन्टैक्ट यूज़ में जो कस्टमर केयर के नंबर दे रहे हैं उस पर हम कॉल करके एक बार ज़रूर ट्राई करें, उसमें कितना हमें कस्टमर सपोर्ट मिलता है वो भी ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद उस वेबसाइट पे विश्वास करना चाहिए। और उसके बाद है डोमेन के बारे में जानकारी, तो वेबसाइट का डोमेन किस तरह का होना चाहिए वो भी एक ज़रूरी फैक्ट है। उसमें हम अब इंडिया में हैं तो .com और .in होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अलावा कोई और डोमेन के प्रकार हैं, जैसे ये बीज आ गया या इन्फो आ गया, इस तरह के कुछ लिखे हैं, तो उसके हम आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, उसके बारे में थोड़ी पड़ताल करनी चाहिए। और उसके बाद में अगला टॉपिक है वेबसाइट की डिज़ाइन, वेबसाइट की डिज़ाइन और वेबसाइट की लैंग्वेज और व्याकरण को हमें गौर से देखना है। वेबसाइट का किस प्रकार डिज़ाइन है, उसकी जो आर्टिकल उस पे है या कुछ भी कोई भी सामान के बारे में लिखा गया है तो उसको ध्यान से देखना है, उसमें कुछ मिस्टेक हैं या कुछ गलत लिखा गया है वो भी देखना ज़रूरी है। अगर उसमें कुछ हमें ऐसा लगता है तो हम अपने आप मालूम कर सकते हैं कि ये वेबसाइट एक फेक वेबसाइट है। इस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट का पता कर सकते हैं कौन सी रियल ऑनलाइन शॉपिंग साइट है और कौन सी फेक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। तो ये है मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी आपको, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।